क्या आप एक छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी गलतियां जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हैं तो। अगर आप एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये छह काम आपको करने चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में आपको सबसे सिंपल तरीके से डिटेल तरीके से आपको बताया है, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं। आपको मॉर्निंग पांच सबसे बड़ी मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। पहली मिस्टेक हमारी है न्यूज़पेपर पढ़ना। आप कह रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ना तो अच्छी बात होती है, न्यूज़पेपर आपको पता है नेगेटिव न्यूज़ भी आती है और पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है। अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ पढ़ ली तो आपको दिमाग में पूरे दिन वही चलती रहेगी, इससे मैं मना कर रहा हूँ। आपको मॉर्निंग न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप दोपहर को ही पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। और सबसे दूसरी बड़ी गलती न्यूज़ देखना। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट हमारा ये है शॉर्ट वीडियो देखना। हमको मॉर्निंग कभी भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखनी चाहिए। अगर हम मॉर्निंग शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो हमारे दिमाग में बोझ पूरे दिन चलता रहता है, या कोई हम अच्छी चीज़ देख लेते हैं शॉर्ट वीडियो में या गलत चीज़ देख लेते हैं। वो शॉर्ट वीडियो कभी भी मॉर्निंग में देखनी नहीं चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी गलती सैड वीडियो एंड सैड सॉन्ग, ये हमको मॉर्निंग में कभी भी नहीं सुननी चाहिए। और हमको ये पूरे दिन में कभी भी नहीं सुननी चाहिए, ना सैड सॉन्ग सुनने चाहिए ना सैड वीडियो देखनी चाहिए। जितना ज्यादा आप सैड सॉन्ग सुनोगे सैड वीडियो देखोगे उतने ज्यादा आप अपने गोल से दूर बनाते जाओगे। इसलिए आपको ना सैड सॉन्ग सुनने चाहिए ना सैड वीडियो देखने, ना आपको सैड सॉन्ग सुनने, इससे आपका टाइम ही बर्बाद होता है। शॉर्ट वीडियो से भी देखने से आपका टाइम बर्बाद होता है। आप सोचते हैं कि दो शॉर्ट वीडियो देख लेता हूं, उससे आपको दो तीन घंटे कब हो जाते कभी मालूम नहीं पड़ती है। फ्रॉड एंड क्राइम एंड नेगेटिव वीडियो जो आपको कभी भी नहीं देखनी मॉर्निंग में, ना आपको मॉर्निंग में देखनी, ना आपको दोपहर में, आपको पूरे दिन में कभी भी नहीं देखनी। अगर आप ऐसे वीडियो देखते हो तो आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओगे। आप एक छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर कभी भी नहीं बन सकते हो। अगर आप पांच चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप कभी भी एक बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। ये चीज़ आपका सिर्फ आपका दिमाग खराब करती हैं और आपका टाइम बर्बाद करती हैं। इनको कभी आपको मॉर्निंग में नहीं करना। अगर आपका ज़्यादा मन करता है जैसे न्यूज़ पेपर पढ़ने का या आपको ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखने का है ना, सौ वगैरह सुनने का, तो आप आधे घंटे का या पाँच दस मिनट का आप सुन सकते हैं बिल्कुल शाम के टाइम पर। आपको शॉर्ट वीडियो देखने की लत लग चुकी है तो आपको इसको धीरे धीरे कर करके छोड़ना पड़ेगा। एकदम से आप छोड़ोगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे, धीरे धीरे करके आपको छोड़ना पड़ेगा। इन काम को आपको कभी भी करने नहीं है। आप सोचोगे कि तो भाई करना क्या है, वो मैं आपको बता दो करना क्या है आपको। तो दोस्तों आप जानते हैं आपको करना क्या है मॉर्निंग में और आपको पूरे डेली रूटीन में आपको क्या करना चाहिए। मॉर्निंग आपको उठते समय सबसे पहले आपको अफर्मेशन सुननी है, रोज सुबह आपको सुननी है अफर्मेशन। अफर्मेशन काफी टाइप की होती है, जैसे कि अमीर बनने की अफर्मेशन होती है और जल्दी उठने की अफर्मेशन होती है, काफी तरह की अफर्मेशन होती है। आपको कौन सी अफर्मेशन सुनना चाहिए मॉर्निंग में, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये संदीप सर की एक अफर्मेशन, आप इसको भी सुन सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमको ऑडियो बुक सुननी चाहिए, या आप बुक भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप ऑडियो बुक ही सुने और नई नई चीज़ हमको जानने के लिए मिलेगी। आपको साइकोलॉजी के ऊपर बुक पढ़नी चाहिए, ये पाँच बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इन पाँच बुक को आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। तीसरा पॉइंट हमारा मोटिवेशन वीडियो देखना और मोटिवेशन सॉन्ग सुनना, ये आप मॉर्निंग आप कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना, जैसे कि मैं टेक फील्ड में हूँ तो मैं टेक से रिलेटेड वीडियो देखता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्या अपडेट्स वगैरह आए हैं और क्या क्या नई चीज़ मैं सीख सकता हूँ, इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियो मैं देखता हूँ। और आप क्रिएटिव वीडियो दे सकते हैं, क्रिएटिव वीडियो तो आप जानते हैं कैसे क्रिएटिव वीडियो होती है, जैसे कुछ क्रिएटिव करना है जैसे थंबनेल बनाना है ना, कोई बढ़िया से वीडियो एडिट करना जी क्रिएटिव काम में आता है, तो ऐसी वीडियो आप दे सकते हैं। और आप सुबह उठ के मतलब कि एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं या मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, ये आपकी हेल्थ को फिट रखेंगे, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा और आपका माइंड अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आपको काम करने में कोई कभी भी आलस नहीं आएगा। और मैं आपको एक दो पॉइंट और बताता हूँ, आप कलर साइकोलॉजी पे बुक पढ़ सकते हैं, कलर साइकोलॉजी की वीडियो भी देख सकते हैं, आपको कलर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कलर की साइकोलॉजी आपके थंबनेल बनाने के काम आई और आपके जो वीडियो को कलर ग्रेडिंग करने के काम आए कलर साइकोलॉजी। एक बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए आपको कंटेंट रिसर्च एकदम डीप लेवल पे करनी पड़ेगी और एडिटिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे करनी पड़ेगी और आपको थंबनेल एकदम क्लिक बेट बनाना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा ये काम हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात कंटेंट रिसर्च आपको डीप लेवल पर करनी पड़ेगी। अब जिस टॉपिक की वीडियो बना रहे हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा, आप गूगल से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, सर्च करके ले सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। और बात रही एडिटिंग की, तो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल डले हुए हैं, यूट्यूब पर भी डले हुए हैं, एक से एक बढ़िया ट्यूटोरियल डले हुए हैं एडिटिंग के ऊपर, काफ़ी नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग उसमें बताएगी, उसी से मैं देख देख कर सीखा हूँ और उसी से देख देख मैंने एडिटिंग करी है। और थंबनेल क्लिकबेट बनाने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डली हुई हैं, एक आध दो वीडियो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एल्गोरो वाई की एक डिकोडिंग वाई की वीडियो है,
इनको मैंने देख कर बढ़िया थंबनेल बनाना सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो का देने से लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और आप किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।